फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेक माइंड रवि पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हुआ हूँ। एक्चुअली कुछ दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि जो यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो चलती रहती है उस पर एक स्लाइड होता रहता है और एक उस पर ऐसा नोटेड रहता है कि सब्सक्राइब बेल आइकन आता है और उस पर एक बेल जो है वो बजता है जो एक एनिमेशन के रूप में होता है, तो उसी टाइप का वीडियो बनाने के लिए कमेंट आया हुआ था। तो दोस्तों, उसी के लिए मैं आज एक नया अपना नया एक वीडियो लेके आया हुआ हूँ। तो आइए मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए। एक्चुअली आप कोई भी ऐसा वीडियो जो है बनाते होंगे या फिर अपलोड करते होंगे जिसपे एनिमेशंस जो यूट्यूब का जो सब्सक्राइब का जो एनिमेशन होता है उसको हम लोगों को ऐसे उस पर अपलोड करना होगा। दोस्तों, जैसे कि मैं इसको आज बताने वाला हूँ कि हम काइन मास्टर से इस पर कैसे एडिट करके उसको जो है वहाँ पर अपलोड करते हैं। और इसके अलावा आप और अपना जो वीडियो बनाते होंगे, एडिट करते होंगे, वो है काइन मास्टर यूज़ करते होंगे या फिर पावर डायरेक्टर यूज़ करते होंगे या फिर और जो भी आप एप्लीकेशन के थ्रू यूज़ करते होंगे, तो आप भी उस पर जो है इसको ये सब्सक्राइब जो स्लाइड होते हुए एक एनिमेशन आता है उसको आप क्या कर सकते हैं, इसको इस पर अपलोड कर सकते हैं, उसको भी आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरी इस वीडियो के साथ में बने रहिए और मैं उस जो प्रोसेस है उसको एकदम अच्छे से बता दूंगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो का शुरुआत करना चाहूँगा। तो हम जिस के बारे में बात कर रहे थे वो है कि सब्सक्राइब या बेल आइकन का जो वीडियो होता है शॉर्ट वीडियो, उसको कहाँ से डाउनलोड करके और कैसे हम लोग अपनी वीडियो पे यूज़ कर सकते हैं, उसको अपने वीडियो पे भी उसको रख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को जाना होगा दोस्तों, या पहला में इसका है कि हम लोग YouTube से इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैं एक ऐसा लिंक दे रहा हूँ जहाँ से आप उस लिंक पे क्लिक करके उस ऐप को इंस्टॉल करके या डायरेक्ट आप वहाँ पर से वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और इस टाइप का जो इमेजेस होती है उसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो चलिए हम यूट्यूब से एक बार सर्च करके देखते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हमको यूट्यूब पर जाके सर्च बार पर जाना है और यहाँ पर से सब्सक्राइब एंड बेल आइकान वीडियो ग्रीन स्क्रीन करके क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिएगा यहाँ पर डाउनलोड फ्री लिंक करके वीडियो आ रहा है दोस्तों। देखिए कुछ एक मिनट दो मिनट का वीडियो आ रहा है, यहाँ से आप जो है यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं टॉप 15 डाउनलोड फ्री लिंक। तो ये जो है यहाँ से आप इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उसको आपको अगर जैसे यूज़ करते हैं पावर डायरेक्टर या काइन मास्टर, तो उसमें कैसे उसको एडिट करना है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो आइए हम अब इसके बाद में उस लिंक पे मैं जाना चाहूँगा। तो लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, अगर आप वहाँ से ना जाए तो यहाँ पर देखिएगा एक पिज़्ज़ा बे करके ऐप आता है। पिज़्ज़ा बे को जैसे आप क्लिक करेंगे, इस ऐप को आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर आप डायरेक्ट इसको इमेजेस या फिर वीडियो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो देखिएगा मैं यहाँ पर से सर्च करता हूँ वीडियोस, यहाँ पर वीडियोस डालना है और इसके बाद में यहाँ पर सब्सक्राइब पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर सब्सक्राइब नोट करेंगे। अब इसके बाद हमको सर्च कर लेना है। जैसे यहाँ पर सब्सक्राइब मैं नोट किया दोस्तों, यहाँ सर्च किया, देखिए यहाँ पर इतने सारे जो छोटा छोटा जो 5 सेकेंड 60 सेकेंड का जो वीडियो होती है ये यहाँ पर से आ गया है। तो जनरली जैसे कि हम मैक्सिमम वीडियो पे 2-3 जो ऐसा सब्सक्राइब बेल आइकन वाले जो वीडियो है ये देखा जाता है। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमको ग्रीन जो है जिसका ग्रीन बैकग्राउंड है उसको लेना है, ताकि ग्रीन बैकग्राउंड से एक फ़ायदा क्या होता है कि ये बाद में इधर क्रोमा की का यूज़ करते हैं तो उससे इसका जो कलर है अपन हटा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर दो ही चीज़ यूज़ करना चाहूँगा। तो जो मैं रखा हूँ दोस्तों वो है, एक ये है और दूसरा जो वीडियो है ये वीडियो है। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो पहला वीडियो है यहाँ पर इस वाले वीडियो पे सब्सक्राइब और बेल आइकन का दिया हुआ है, और जबकि इस वाले वीडियो पे हमारे जो है यहाँ पर देखिएगा लाइक का दिया हुआ है, डिसलाइक का दिया हुआ है, शेयर का भी दिया हुआ है और सब्सक्राइब का दिया है और साथ ही बेल आइकन का भी दिया हुआ है। तो हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे दोनों, मैं चाहूँगा कि दोनों को एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी दोनों को इंस्टॉल किया हुआ हूँ। तो यहाँ सॉरी इसको डाउनलोड किया हुआ हूँ। तो यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए क्या होता है कि हम लोगों को इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे एक पे क्लिक किया यहाँ पर से देखिएगा फ्री डाउनलोड का ऑप्शन देख दिया। अब यहाँ पर से इसको देखिए आप MP4 में जिस रिजोल्यूशन पर करना है उस पर कर लेना है। तो मैं हाई रिजोल्यूशन पर इसको कर लिया, यहाँ पर से जैसे हाई रिजोल्यूशन पे इसको मैं किया, देखिए यहाँ सक्सेस दिखा दिया, मतलब ये डाउनलोड हो गया है। अब हमको यहाँ से बैक ले लेना है। अब इसको क्या होता है कि दोस्तों ये हमको
ऑलरेडी यहाँ डाउनलोड हो गया है, इसको हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिएगा, ये ऐसा डाउनलोड हो जाने के बाद में इसको हम लोगों को अब अपने वीडियो पे एडिट कैसे करना है, तो उसके लिए मैं आगे बताना चाहूँगा इसको काइन मास्टर में। तो आइए दोस्तों, बताता हूँ इसको आगे कि कैसे इसको हम लोग एडिट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर से मैं काइन मास्टर में आ गया। यहाँ हमको काइन मास्टर पे जाना रहेगा। इसको अब यहाँ पर क्लिक करके जो भी वीडियो है जिसपे हमको जो सब्सक्राइब या बेल आइकन का जो बटन है उसको यहाँ पर डालना रहेगा, उस तो उसके लिए आगे करते हैं। यहाँ पर हमको सबसे पहले अब मीडिया में जाना है। मीडिया से जाके उस हमको वीडियो जिसको हम लोगों को यहाँ पर एडिट करना रहेगा उसको मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोगों को क्या करना रहेगा, उस वीडियो पे जैसे कि जा रहा है, ये देखिए मैं इस वीडियो पे जाता हूँ, कोई भी एक वीडियो पे। अब यहाँ पर से मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। तो क्लिक करने के बाद में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको ले आना है। अब यहाँ पर से देखिए, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं उसको ला के कोई भी एक निश्चित पोजीशन पे क्या करना है, जहाँ पर हमको सब्सक्राइब का जो वीडियो है उसको छोटा सा जो क्लिप है एनिमेशन है उसको डालना है, उसको यहाँ पर ला के इस वीडियो को रोक देना है। और इसके बाद में क्या करना है, हमको लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद में जो वीडियो हम लोग डाउनलोड किए हैं पिक्साबे से, उस सब्सक्राइब वाले, उसको यहाँ पर से क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इसको एक थोड़ा सा निश्चित पोजीशन पे एक अच्छे जगह पे रख दीजिए, ताकि वो दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। अब यहाँ पर से हमको देखिए राइट साइड में आप ऑप्शन इतने सारे दिख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन। तो यहाँ पर से हमको क्रोमा की पे जाना है। क्रोमा की पे जाने के बाद में हमको इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर से वो हाइट दिख रहा है। अब यहाँ पर इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको वीडियो को जब रन करके आप देखेंगे तो देखिएगा ये यहाँ पर से आ गया, ठीक है। इसको आवाज़ भी आ रहा है, तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर से आवाज़ आने लगा, ठीक है। अब यहाँ पर से हम लोगों को क्या कर लेना है, ये जो वीडियो है इसको फिर एक बार रन करके देखते हैं यहाँ पर। अब इसको क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए ये थोड़ा ऊपर हो गया, इसको हम लोगों को ऐसे जगह पे इसको ले आना है, यहाँ कॉर्नर जगह पे ले आना है, जहाँ पर बीच में रखना है वहाँ पर ले आना है। अब यहाँ पर से फिर रन करके देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना सिंपल प्रोसेस है, इसे आप एक बार में ही इसको सीख गए होंगे कि हम लोगों को कैसे क्रोमा की का यूज़ करके इससे जो ग्रीन कलर है उसको हटा देना है। अब यहाँ पर से क्या करना है, अगर इस पे आपको ये लग रहा है कि यहाँ सब्सक्राइब और केवल बेल आइकन का दिख रहा है, मेरे को लाइक का भी चाहिए, तो यहाँ पर भाई तो हम लोग को दूसरा जो है वो एक और इंस्टॉल किए, सॉरी एक और डाउनलोड किए हुए हैं उनको यहाँ पर ले आना है। तो सेम लेयर से जाके, मीडिया से जाके इसको यहाँ पर से फिर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में इसको फिर क्या है, एक जगह पे रख देना है, कॉर्नर वाली जगह पे। अब यहाँ पर से आप चाहे तो इसको क्रोमा की का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ क्रॉपिंग का यूज़ कर सकते हैं। क्रॉपिंग का यूज़ करने के बाद इसको यहाँ पर डायरेक्ट मास्क पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इसको ऐसे स्लाइड करके इसको कम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ग्रीन बॉर्डर भी रहेगा तो अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको छोटा भी करना है तो इसको छोटा रख के ऐसे यहाँ स्लाइड करके कहीं भी कॉर्नर पे या जगह पे ला सकते हैं। अब इसको हम लोग एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर से ये फिर चलने लगा है। तो यहाँ लाइक, ये देखिए, तो यहाँ पर लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन तीनों हो रहा है। तो ये सोचिए दोस्तों, ये कितना सिंपल प्रोसेस है। आपको दोनों में से जो छोटा जो एनिमेशन ठीक लगा उसको अपने डाउनलोड कर लेना है और इसको अपने वीडियो पे आपको इंस्टॉल वीडियो पे इसको अपलोड कर सकते हो, ताकि ये आपकी वीडियो में भी दिखाई दे। देखिए दोस्तों, एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। और साथ ही साथ मेरा एक रिक्वेस्ट भी रहेगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको मेरा ये नया नया वीडियो जो है वो अपलोड करते रहता हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए, और कुछ नॉलेजेबल जो वीडियो या फिर कुछ भी जानने को, जो नई चीज़ें हैं वो सीखने को ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ मैं अपना दोस्तों ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।